बजट सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस ने विधानसभा के सदन में जमकर हंगामा किया। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करने वाले हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को लेकर कांग्रेस ने सदन में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 का क्यों विरोध किया, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। कांग्रेस ने आज सदन में किस कारण से नारेबाजी की, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, इनसे जानते हैं। ये जो बिल लेकर आए हैं ना, प्रॉपर्टी के सारा कुछ जो है ये लेकर आए हैं, ड्रैकोनियन मतलब ये ऐसे प्रोविजंस उसके अंदर डाले हैं कि किसी भी आदमी को ये अरेस्ट कर लेंगे, किसी को भी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, किसी के ऊपर जो है वो डाल देंगे कि तुमने ये तोड़ फोड़ करी। तो ऐसा बिल लेकर आने का मकसद और आज के दिन खास तौर से ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। और जिस तरह से उसके अंदर जो जो प्रोविजंस उस बिल के अंदर डाले हैं उसको तो देखते हुए ये लगता है कि ये सरकार इतनी जबरदस्त तरीके से डरी हुई है कि इनको ये सब कुछ लाने की जब जरूरत पड़ी है, जब कोई जरूरत है नहीं। सीआरपीसी के अंदर सारे के सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन जबरदस्त लिए कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ जम के नारेबाजी करी और हम जो है वेल से बाहर आए। मैडम, और कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए? एक बिल लेकर आए ये, इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बिल जो है राई के अंदर जो लेकर जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल जी के नाम से स्वीकृत करवाई थी हमने भिवानी के लिए, श्रुति ने। चलिए अब वो उठा के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ले गए राई, वहाँ पे जो ये लेकर गए हैं उसके अंदर सेक्शन 6 में एक प्रोविजन इन्होंने ऐसा डाल दिया कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि डोमिसाइल की जो है उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? तो एक तरफ से जो है 75% की बात कहते हैं कि हमारे बच्चों को उसके अंदर जो है नौकरी की बात है कि वो डोमिसाइल बच्चों को, एक तरफ से कहते हैं नहीं। तो मैंने खड़े होकर ये बात पूछी, मैंने कहा ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात जो है ये किस तरह से आप कर रहे हो? इसके अंदर हमारे बच्चों का कोई प्रावधान भी नहीं है कि कितने परसेंट हमारे बच्चे उसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। तो वो बिल जो है सद्बुद्धि आई इनमें और वो बिल को जो है सेलेक्ट कमेटी के जो है हमने रेफर करवा दिया। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले से आपूर्ति करने वाले बिल के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि खेल यूनिवर्सिटी वाला बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।